हरे कृष्णा। तो श्री प्रभुपाद जी की कथा का आज दूसरा दिन है, द्वितीय दिवस है। आज हम लोग प्रभुपाद की महान जीवन गाथा के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। शुद्ध भक्तों की कथा परम भागवत परम मंगलमयी परम शुभकारी होती है। ये कोई सामान्य लीला कथा नहीं है। एक अनिष्ट भक्त जिसने अपने जीवन में समस्त कुछ, एक एक खून का कतरा कतरा, एक एक मांसपेशियां, सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया और इतना बड़ा एक रिस्क ले लिया, दायित्व ले लिया चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का, और उसको सफल करके दिखाया निष्ठा के साथ अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से। ये महान गाथा का एक्चुअली मैं तो योग्य व्यक्ति नहीं हूँ गुणगान करने के लिए, और यद्यपि ये पंचम दिवसीय है, पांच दिवसीय कथा है, लेकिन हमको नहीं लगता हम लोग पूरा इसको बोल पाएंगे। आप लोग जो भी जानते हैं श्री प्रभुपाद लीलामृत दो खंडों में है और बहुत वास्ट है, तो संक्षेप में हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे। और श्री प्रभुपाद जी का बहुत जो कथाएं हैं अनसुनी, क्योंकि हर भक्त के साथ आदान प्रदान हुआ है, उनका एक कथा है। हर भक्तों के साथ जो स्मृतियां हैं उसका एक अलग कथा है। तो जितना हो सकता है हम लोग आप लोगों से साझा करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ 21 दिनों तक श्री प्रभुपाद जी का ये दिव्य जीवन गाथा श्रवण कीजिए। होम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनशयितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता सर्वशाखानितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेश तारिणे वांछाकल्पतरुव्यस्त कृपा सिंधुव्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्रीराधा कांतो नमःस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहतमहं वंदे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। ओम जन्मादि यस्य यतः अन्यादि तरस्यार्थेष्व विज्ञस्वराट तेन ब्रह्मरिदजादि कवये मुह्यन्ति जत्सूरयः। तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो यत्ति सर्गं मृषाः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रनाशनं
प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। हरिः ॐ तत्सत्। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि कैसे श्री प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं और इस कलयुग के परम युगाचार्य हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत और पुराणों के जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत के अनुसार परम शुद्ध भक्त जिसने अपने जीवन को पवित्र करके भगवान के चरणों में समर्पित किया है और भगवान का कृपा दर्शन लाभ किया है, वे शुद्ध भक्त आचार्य बनने के सर्वोत्तम अधिकारी हैं। इसे उत्तम भक्त कहते हैं। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीर सर्वान विमांग पृथ्वींश शिष्ययात। वाक्य, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर, उपस्थ, ये छह प्रकार के वेग जो दमन करते हैं, ऐसे गोस्वामी, गो यानी इंद्रिया, और स्वामी ऐसे इंद्रियों को वश में करने वाले इंद्रियों के स्वामी जो अपने सर्वस्व इंद्रियों से अंतर्मन से भगवान की सेवा में लिप्त हैं, मग्न हैं, ऐसे शुद्ध भक्त ही इन छह वेगों को दमन करके समस्त पृथ्वी को शिष्य बना सकते हैं। ऐसा श्री रूप गोस्वामी पाद अपने उपदेशामृत ग्रंथ के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं। तो शुद्ध वैष्णव जगत आचार्य हैं। एक लॉजिक है, जो खुद उद्धार नहीं हो पाया वो कैसे किसी को उद्धार करेगा। और युगो युगो से स्मार्ट ब्राह्मण गण के असंपूर्ण ज्ञान और उनके इमैच्योर जो प्रतिक्रियाएं हैं उससे कभी भी किसी भक्त के यश को कभी कोई हानि नहीं पहुंची है, ये इतिहास है। चाहे वो भगवान महाप्रभु यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किए, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत गोसाई और भगवान महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद, यद्यपि तुलसीदास जी ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किए, यद्यपि वल्लभाचार्य वही ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किए, लेकिन वो लोग भागवत बने, परम भागवत, सूरदास जी परम भागवत, और ये विप्र कुल जन्म ग्रहण करने के बावजूद भी ये लोग परम भागवत बने। और इनको ही इस मार्त ब्राह्मण समाज लोगों ने उस समय में नाना प्रकार से यातनाएं दी, ये इतिहास में ग्रथित है। तो ये जो स्मार्ट ब्राह्मण समाज हैं, हाँ, जो सदाचार विहीन हो चुका है कलयुग में, तो भागवत के अनुसार ये लोग द्विज बंधु हो गए हैं। ये लोग ब्राह्मण नहीं रहे, ब्राह्मण बंधु बन गए हैं। हाँ, क्योंकि भज कृष्ण अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होकर नाम लेना पड़ेगा। और छारी अनाचार, ये महाप्रभु की शिक्षा है, अनाचार से मुक्त होकर, निषिद्धाचार से मुक्त होकर, जो निषिद्धाचार युक्त है कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, वे कभी किसी गुरु या मंत्र उपदेशक नहीं बन सकता या मार्गदर्शन नहीं दे सकता या आचार्य नहीं बन सकता, ये संभव नहीं है। इसीलिए भागवत में ये जो मोनोपोली है श्रीमद् भागवतम में इसे खंडन किया गया है। भक्ति आंदोलन समस्त वर्णों के लिए है और समस्त वर्ण ये भक्ति आंदोलन में आकर अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। वर्ण क्या, जाति धर्म निर्विशेष, कोई भी भक्ति आंदोलन में आके, महाप्रभु के इस आंदोलन में आके जीवन को पवित्र करके वे गुरु ही बन सकते हैं। अमर आज्ञा गुरु ही है तारो ही देश, किया विप्र किवा नाशे शूद्र के नाय, जय कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व वेत्ता है, कृष्ण के चरणों में
गुरु प्रदत्त मार्ग द्वारा समर्पित हुए हैं और भगवान कृष्ण का साक्षात्कार किया है, तो ऐसे व्यक्ति सर्वोत्तम अधिकारी हैं, ऐसे भागवत व्यक्ति सर्वोत्तम अधिकारी हैं जगत गुरु बनने के लिए। तो यही सिद्धांत मैंने कल उपनीत किया और श्रीमद् भागवत श्रीमद् पांचरात्रि की विधि, पांचरात्रि की विधि कलियुग के लिए ही है। भगवान नारायण ने 5 रात नारद मुनि को उपदेश दिया है, विशेष पूजा अर्चन विधि, क्योंकि कलियुग में ये वैदिक पूजा विधि से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये उच्चारण करना, ये योग्यता रखना, वो शुद्धाचार रखना, वो सबके बस की बात नहीं है। कलयुग में बहुत कम 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 ब्राह्मण हैं जो लोग ये निष्ठा शुद्धाचार पालन कर रहे हैं, उनको अवश्य ही धन्यवाद कि वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ब्राह्मण समाज है वो कलुषित हो चुका है। इसीलिए स्वयं भगवान अवतरित हुए गौरांग महाप्रभु के रूप में और ये भक्ति आंदोलन को पुनरुज्जीवित किया, और सभी का अधिकार ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पुराण मंत्र में दिया। यद्यपि कई लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े आचार्य लोग अपने व्यासपीठ से बोलते हैं कि देखो गौड़ी संप्रदाय वाले अपने मनमानी कर रहे हैं, यद्यपि कृष्ण चतुर्वेदीय कलिसंतरण उपनिषद में दिया गया है ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र जिसका कोई विधि नहीं है, फिर भी ये लोग एक अपने मनमाना ढंग से हरे कृष्ण पहले और हरे राम बाद में ऐसे नामगान उच्चारण करते हैं और कहते हैं कि वैदिक मंत्र हैं, जबकि वो वेद में ही लिखा हुआ है कि इसका कोई विधि नहीं है। लेकिन अभी मैं पूछूंगा उन सभी से, जैसे जो लोग जानकार हैं, जो लोग वैदिक ब्राह्मण उपनयन विधि से गुजरे हैं, वे लोग जानते हैं कि दो प्रकार के संध्या गायत्री होती है, एक वैदिक एक तांत्रिकी। तांत्रिकी तो ठीक है, थोड़ा सा सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो वैदिक गायत्री है उसका बहुत विधि है, आवाहन करना, और ये 3 रूपा हैं, ब्रह्म रूपा रुद्र रूपा विष्णु रूपा, गायत्री का ध्यान आवाहन, फिर गायत्री जप समर्पण, फिर शाप मोचन, फिर विसर्जन इत्यादि करके संध्या गायत्री का विधान है शास्त्रोक्त वैदिक। तांत्रिक मत और थोड़ा सा सबलाइन है, लेकिन ये ब्राह्मणों का संध्या गायत्री श्रौत परंपरा के द्वारा ऐसे विधि युक्त है, तब जाके आपको गायत्री जप का पूर्ण शक्ति और पूर्ण फल प्रदान होगा। हाँ, तो गायत्री महामंत्र है, गायत्री के द्वारा ही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व जीवित रहता है और ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कौन ये जप कर सकता है? अवश्य उपनयन युक्त ब्राह्मण, जिसका उपनयन संस्कार हुआ है। मैंने कल कहा था कि शुद्ध जन्मना जाए तो शुद्रा संस्कार भवेद विप्र, सब शुद्र ही होते हैं, उसके बाद संस्कार से, ये जन्मगत नहीं है ब्राह्मण परंपरा, ये संस्कार से दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण उपनयन संस्कार गायत्री दीक्षा दिया जाता है, तब उनको उस ब्राह्मण को षट कर्म का अधिकार है, पठन पाठन जजन जाजन दान परिग्रह। और ये भी पुराण के अनुसार कहा गया है कि बाकी सब वर्णों में भी ये उपनयन विधि है, उसमें धागाएं थोड़े से कम हैं और बाकी वर्ण लोग 3 कर्म करेंगे, वे पठन कर सकते हैं, ये वे पाठन कर सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते, वेद सीख सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते, वे दान दे सकते दान ले नहीं सकते, वे खुद जजमान बन सकते जजमानी करा नहीं सकते, पौरोहित्य नहीं कर सकते,
तो ऐसा विधान दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वेद सिखाने का पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। तो यहां पे विधि आ गई। तो कृष्ण चतुर्वेदी ये जो कलिसंतन उपनिषद है उसको पहले तो हरे राम मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसमें वो पढ़ने के लिए इस विधि से तो जाना पड़ेगा ही ना। तो इसलिए इसमें किसका अधिकार हुआ आप लोग ही समझिए। ये मैंने आप लोग को समझाया शास्त्रीय ढंग से। जो लोग ये कहते हैं उपनिषद में ये दिया गया है कि कोई विधि नहीं है, इसका अर्थ ये है कि गायत्री में जैसा शाप मोचन आवाहन इत्यादि विसर्जन का जो विधि है ऐसा विधि नहीं है। यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि सब लोग इसके अधिकारी हैं। एटलीस्ट उसको ब्राह्मण उपनयन संस्कार, ब्राह्मण को जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, उपनयन संस्कार लेके फिर वेद पाठ के अनुसार वे ये मंत्र लाभ करेगा। तो वहां विधि होगी नहीं गई। तो ऐसे ही लोगों को बरगलाते हैं एक्चुअली, और अपना मत को ही श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे किसी संप्रदाय सत संप्रदाय का मत को खंडन करते हैं। लेकिन ये चला आ रहा है और भक्तों के बीच में जो भेदाभेद हैं ये सर्वथा अनुचित हैं। लेकिन तथापि ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने उत्तर दिया है इसीलिए। और वही लोग बड़े बड़े लेक्चर में गाते हैं कि नाभा जी ने भक्तमाल में स्वयं कृष्ण बलराम को ही श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वीकार किया है, और सभी लोग जगत विदित हैं कि वे साक्षात कृष्ण और बलराम जी हैं। तो जब भगवान स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र पुराण से लेके आके सबका अधिकार उसमें हो जाए जब करवा रहे हैं, तो ये मंत्र कौन सा गौड़ी संप्रदाय और कौन सा श्री संप्रदाय, कौन सा रामानंद संप्रदाय और कौन सा किस संप्रदाय का है? तो वे तो भगवान विधान दे रहे हैं इसका, तो इधर स्वीकृति क्यों नहीं है? मेरा यही प्रश्न है। तो महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आंदोलन शुरू किया, और सर्व जगत विख्यात हैं कि वे स्वयं कृष्ण स्वयं बलराम ये दुई प्रभु के रूप में अवतरित हुए और 500 साल पूर्व ये इस आंदोलन का शुरुआत हो गया। और मैंने जो इस्कॉन रियलिटी जो लेक्चर है उसमें कैसे महाप्रभु के द्वारा क्या मत और कैसे समस्त वैष्णव जो आचार्यगण हैं उन लोगों ने एक फिलोसॉफी ऐसा है वैष्णव संप्रदाय में, ये संप्रदाय तब माने जाते हैं जब उस संप्रदाय में से कोई आचार्य वेदांत सूत्र जो शारीरिक भाष्य है आदि जगत को शंकराचार्य का उसके अगेंस्ट में वैष्णव भाष्य देगा। तो ऐसे मैंने उस लेक्चर में कहा कि ऐसे तो हमारा ये संप्रदाय सर्टिफाइड हुआ और सब लोगों ने इसको सहमति के साथ स्वीकार किया जब श्री बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य दिया जो भगवान गोविंद देव जी ने खुद उनको डिक्टेट किया वेदांत सूत्र का गोविंद भाष्य, तब जाके गौड़ी संप्रदाय को बोनाफाइड बाकी लोगों से माना गया। एक्चुअली बोनाफाइड है क्योंकि महाप्रभु अवतरित हो गए हैं, माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य ईश्वरपुरी पाद से दीक्षित हो चुके हैं, ऑलरेडी भगवान अवतरित हो गए। भगवान से भी लोग ईर्ष्या करते हैं, संप्रदाय में होने के बावजूद भगवान से ईर्ष्या करते हैं और स्वीकार नहीं करते भगवान के अस्तित्व को, यद्यपि वैष्णव बनते हैं अपने आप को और जो स्वीकार नहीं करते हैं। तो धिक्कार है ऐसे वैष्णव तापे और वैष्णव संस्कार में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चार संप्रदाय एक ही हैं, भले ही उसकी उपासना पद्धति थोड़ा बहुत अलग है, नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये चार संप्रदाय तो एक ही संप्रदाय है, ये वैष्णव संप्रदाय है। बस हम लोग को कभी भेदाभेद नहीं करना चाहिए, कह रहे वो तो उस संप्रदाय का है वो तो उस संप्रदाय का, ना ऐसा नहीं, सांप्रदायिक भेद है। तो इसलिए महाप्रभु के जो सिद्धांत हैं वे समस्त संप्रदायों को सम्मिलित करते हुए एक सुंदर
एक सुंदर भक्तिमय आंदोलन का शुरुआत है, जिसका सूचना होने वाला था पृथ्वी में जब ये अभयचरण दे जन्मग्रहण करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है प्रभुपाद का जीवनी। ये तो पूर्व निर्धारित था, मैंने कल भी कहा कि प्रभुपाद जी का जो जन्म है, सेनापति भक्त हैं, ये चैतन्य मंगल में ऑलरेडी रुचनदास ठाकुर ने प्रेडिक्ट कर दिया है, पहले प्रेडिक्शन दे दिया है। तो भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं भगवान का विशेष कार्य करने के लिए, महाप्रभु के विशेष कार्य करने के लिए। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन संकीर्तन आंदोलन को समस्त पृथ्वी में प्रचार करने के लिए वे स्वयं प्रकट हुए सेनापति भक्त के रूप में। वो मंगलमय शुभ दिन था नंदोत्सव, जन्माष्टमी के दूसरे दिन जब नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लाल जीव झूलन पधार रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। उस समय पहला सितंबर तारीख और 1896 ख्रिस्टाब्द में टालीगंज स्थित कलकत्ता में एक कुलीन परिवार में उनका जन्मग्रहण हुआ, कायस्थ परिवार में। गौरमोहन दे पिता, श्री रजनी देवी माता के गर्भ को आलोकित कर प्रकट हुए हमारे अभय चरण दे। अभय उनका नाम रखा गया, अभय। और जन्म से ही उनका, जब टालीगंज में आज भी वो घर है, कलकत्ता इस्कॉन मंदिर, उस घर को प्रभुपाद के ऑफरिंग के लिए 125वां जो इस साल है उसके एक समर्पित श्रद्धांजलि के रूप में इस्कॉन कोलकाता मंदिर ये टालीगंज स्थित जन्म स्थान को संस्कार करके बहुत सुंदर एक भव्य स्थान मंदिर श्री मंदिर श्रीपाठ का निर्माण करते हुए इसी वत्सर उसका शुभ उद्घाटन करेगी। तो ये बहुत अहोभाग्य हैं प्रभुपाद जी जहाँ जन्मे, लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ पे रह नहीं पाए। अच्छा, ताज्जुब की बात है, आप लोग जब जाएंगे टालीगंज, और जो प्रभुपाद जी बाद में रहे हैं जॉर्ज हैरिसन रोड, महात्मा गांधी रोड, आजकल दोनों जगह श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर है। कलकत्ता में राधा कृष्ण उपासना पहले से था, लेकिन एक मिशन आने के बाद, सोकल मिशन आने के बाद सब गुड़ गोबर हो गया, सब सिद्धांत उलट पुलट हो गया। मछली खाओ, जिसको चाहो उसका नाम मंत्र ले लो, हाँ शराब पियो, सब कुछ करो और दीक्षा ले लो, क्योंकि स्वामी भी शराब पीता है, स्वामी भी जो गुरु है वो भी सैफ्रन धारण करके कासाय वस्त्र पहन के वो भी मांस मछली खाता, तुम भी खाओ। तो सब चालू हो गया कलकत्ता में, कलकत्ता को बर्बाद कर दिया। धर्म के नाम में पाखंड बोलते हैं इसे, धर्म के आर में एक इसे बोलते हैं षडयंत्र, एक्चुअली भारतवासियों के साथ। जैसे बहुत लोग हम लोग को बोलते हैं ना, षडयंत्र कर रहे हैं, इसका षडयंत्र है धरातल में, पता नहीं कौन सा धरातल है, पता नहीं, आई डोंट नो उस धरातल षडयंत्र हो रहा है कि नहीं, षडयंत्र हो रहा है कि नहीं। ये षडयंत्र है, असली षडयंत्र है, जिसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। धर्म के नाम पे भोग विलास और बने हुए स्वामी और प्रवचन दे रहे हैं और लीड ले रहे हैं, धर्म उपदेशक बन रहे हैं। जो अपने जीवा को कंट्रोल कर नहीं पाया उसको धर्म उपदेश देने का कोई अधिकार ही नहीं है शास्त्र के अनुसार। चाहे तो कोई डिबेट कर ले इसके ऊपर, शास्त्र को लेकर शास्त्र के अनुसार बोलना पड़ेगा, और ये अपना कथन अपना मत इसके हिसाब से नहीं चलेगा। हाँ, वेदव्यास के अनुसार वो बोलना पड़ेगा। तो ये हमारे सोकॉल हाँ सन्यासियों को नहीं दिखता है, दुख की बात है।
लेकिन फिर भी कलकत्ता में राधा कृष्ण उपासना हरिनाम संकीर्तन एक जमाने में था। वहाँ पे श्री भगवती काली का जो पूजा है वो भी भक्तिमय था एक्चुअली, उसका भी वैष्णव आचार से बहुत मिल था। लेकिन ये तांत्रिक मत आने के बाद और ये सब हौच पौच एक फिलोसफी आने के बाद वो सब गुड़गोबर हो गया, वो सब इधर उधर हो गया। तो इसलिए प्राचीन ये दो मंदिर आज भी अधुना भी एमजी रोड में राधा गोविंद मंदिर जी भी है और उधर भी मंदिर राधा गोविंद जी का मंदिर है। तो भगवान के भक्त भगवान के समीप ही प्रकट हो रहे हैं। कलकत्ता में एक विशेष अभिप्राय से तो अभय चरण दे बंगाली संभ्रांत परिवार में जन्म ग्रहण किए और बचपन से ही न जाने भगवान के प्रति क्या उनका परिचय है, भगवान के साथ उनका क्या संबंध है। जब वे 4 साल के थे तब पूरा प्लेग छा गया था 1900 साल में, आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा प्लेग हुआ था कलकत्ता में। उस समय कुछ वैष्णव गौड़ीय वैष्णव लोग संकीर्तन करते हुए तब ये जॉर्ज हरिसन स्ट्रीट में चले गए थे, उनके पिता वहाँ पे रहने चले गए थे। आज भी वो घर हैं, बहुत पुराना बिल्डिंग हो गया है और ठीक सामने राधाकुंड टेम्पल है और मल्लिक परिवार से इनका बहुत ही अच्छा संबंध, घनिष्ठ संबंध रही। रंजीत मल्लिक जो बहुत बड़े हीरो हैं, वो मल्लिक परिवार आप लोग जानते हैं कलकत्ता में बहुत फेमस है मल्लिक परिवार, उनका दुर्गा पूजा होता है, उनका रथ यात्रा होता है। तो ये मल्लिक परिवार के साथ बहुत अच्छा इनका संबंध था, तो इसलिए वहीं पे शिफ्ट हुए जॉर्ज हैरिसन रोड में उस घर में। तो उसी समय ये संकीर्तन वैष्णव चारंदल वहाँ पे आए और स्वयं 4 साल के शिशु अभय ने उनके साथ संकीर्तन किया और कुछ दिनों में वो प्लेग रोग कलकत्ता से हट गया। मानो कि उस हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव से ही ये हट गया हो, सभी लोगों ने ये फील किया। उसके बाद मल्लिक परिवार के साथ अभय चरण बचपन से ही देखते थे कि 3 अलग अलग रथों में श्री भगवान जगन्नाथ, श्री भगवान बलभद्र देव, श्री सुभद्रा महारानी को बिठाकर रथ यात्रा हो रहा है। हाँ, प्रसाद वितरण होता था, बहुत सुंदर उत्सव। तो उनका मन में था कि वो भी अपने से एक रथ बना के उनका रथ यात्रा करें। तो ऐसा उनके जीवन में आता है कि अष्टदिवस व्यापी उन्होंने रथ यात्रा उद्यापन किया था। एक किसी आंटी ने, एक माता जी ने उनको रथ, पुराना रथ दिया था, उनके पिता ने उसको ठीक ठक करवा के, मरम्मत करवा के, पेंट करवा के बहुत सुंदर कर दिया था। तो अभय चरण ने तभी से रथ यात्रा शुरू कर दिया। ये पहला रथ यात्रा जीवन का भगवान का। हाँ, कलकत्ता में आज भी ये प्रचलन है। मैंने भी अपने बचपन में बहुत रथ यात्रा निकाला है, छोटे छोटे रथ वहाँ पे मिलता है, 3 तल्ला रथ मिलता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या ऐसा। तो ये बचपन में हम लोग ने भी बहुत किया है, बहुत सुंदर ये कल्चर था कलकत्ता में, अभी भी है शायद, और सब लोग रथ यात्रा निकालते हैं। ये जो प्रचलन है एक फेस्टिवल का, ये बहुत सुंदर एक विज्ञान है कि बच्चों को पहले से ही वो संस्कार देने चाहिए जिससे वो भगवान के साथ युक्त हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। आजकल के माता पिता ये सोचते नहीं हैं, वे लोग चाहते हैं वे लोग खुद पढ़ लिखे ना हो, खुद अंगूठा छाप हो, लेकिन बेटा IIT से पास करना चाहिए कैसे भी करके। एक तो बुद्धि भगवान दादा ही बुद्धि भगवान देता है, ये किसी को विश्वास नहीं होता है। सब लोग सब काम नहीं कर सकते, सबका सब तरीके बुद्धि नहीं हो सकता। हम लोग पढ़ते हैं 7 क्लास ऑफ इंटेलिजेंस, किसका साहित्यिक बुद्धि होता है, किसका म्यूजिकल एडाप्टेड बुद्धि होता है, किसी का कोई अलग मैथमेटिकल बुद्धि होता है, किसी का आर्ट वार्ट ऐसा बुद्धि होता है। तो 7 प्रकार के बुद्धि युक्त लोग, माने नेचर युक्त लोग और रुचि युक्त लोग का विभाजन है साइंटिफिक रूप से,
ये आजकल के लोगों को समझ में नहीं आता है। हाँ, वे लोग सोचते सब उनको उन लोग को सब माने सब कुछ करवाना है, भले ही जो बच्चा है उसका बुद्धि शायद वो पेंटर बनना चाहता है या वो संगीतज्ञ बनना चाहता है, लेकिन नहीं, बाप यही सामान्य कॉलेज से पास है ना, उसको बेटा को पढ़ाना है तो IIT, प्रेशर सो मच, हेल इज लाइफ एक्चुअली। तो और भले ही चरित्र जहाँ पर भी जाए, भले ही बड़े होकर उनको लात मार दे चलेगा, लेकिन ऐसा, और वो लोग सोचते हैं फ्यूचर बना रहे हैं, ऐसा उन लोग का धारणा होता है, लेकिन नहीं, वो लोग अपना फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं एक्चुअली। तो धर्म शिक्षा बचपन से देना। तो गौरमोहन दे हमेशा चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो महान वैष्णव से दीक्षा लेकर वे महान वैष्णव बने और राधा कृष्ण के परम सेवा में युक्त हो। राधा रानी से प्रार्थना करते थे, राधा रानी आप इनको कृपा करें कि आप इनको अपना सेवक रूप में ग्रहण करें। तो ये पिता उनके थे, वे नहीं चाहते थे, उनकी माता जी जरूर चाहती थी कि ये लंदन जाए बैरिस्टर बने, इनके पिता नहीं चाहते थे। हाँ, तो उनका स्कूलिंग शुरू हुआ, वे कॉलेज में भी गए, आज भी वो कॉलेज कलकत्ता में मौजूद हैं। और प्रभुपाद के सीनियर थे, एक साल सीनियर वे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और प्रभुपाद जी के साथ उनका वार्तालाप होता था। प्रभुपाद जी बहुत ही अभिभूत थे गांधी जी के आंदोलन से, तब स्वतंत्रतावादी आंदोलन चल रहा था ना, बहुत अभिभूत थे और बहुत ही मन ही मन उसको पसंद करते थे। तो इसी मध्य में जब बचपन में ही थे, तब उसी समय जब वे महेश शायद 6 साल के थे, तभी उनको उनके पिता ने राधा कृष्ण डेटी, राधा कृष्ण श्री विग्रह का एक जोड़ा लाके दिया और खुद अभिषेक किया उनके पिता ने, और उनको सेवा में नियुक्त कर दिया। मानो वहीं से शुरुआत हो गया श्री राधा गोविंद के चरणों में सेवा करने का, और वे मंदिर जाते थे डेली पापा पिता जी के साथ, राधा गोविंद टेम्पल में दर्शन करना, पूजा करना। ये बचपन से ही उनका, माने ऐसे बच्चे लोग बहुत स्पेशल होते हैं जो बचपन से ही हरिनाम कर रहे हैं, भगवान के साथ जुक्त हैं और भगवान की सेवा में लिप्त हैं, बहुत बहुत दिव्य आत्माएं होती हैं। तो और प्रभुपाद ने ये दिव्य आत्मा उत्पन्न करने का सौभाग्य सभी जगतवासियों को दे दिया, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो बचपन से ही तो सब KFC का चिकन खा रहे हैं, उटपटांग मूवियां देख रहे हैं, चरित्र का सर्वनाश कर रहे हैं। तो बहुत भाग्यवान है वो बच्चे जो लोग जिनके माता पिता भक्त हैं, और वे लोग बचपन से शुरुआत से ही हरि नाम, भगवान प्रसाद, हरि नाम कीर्तन, इससे इस वातावरण में पल बढ़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा उन भक्त परिवारों को जो लोग अपने बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। ये अपने जीवन को भी शांतिमय बनाना और अपने बच्चों के जीवन में भी वो संस्कार डाल के उनके जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का प्रेरणा देना, इससे अच्छा और कुछ भी शिक्षा नहीं होती, इसे शिक्षा कहते हैं। ये तो बाहर जगत में कारपेंटर विद्या, ये बिल्डिंग बनाना, गाड़ी बनाना, ये सब शिक्षा नहीं है, जो जीवन जीविका निर्वाह करने का एक तरीका है, उसके युक्त ज्ञान है, ये चरित्र निर्माण का शिक्षा नहीं है। जैसे अमेरिका में जब हिप्पी आंदोलन था, सब लोग हाईली मॉडर्न होकर बाहर निकल गए थे, बच्चे लोग फ्रस्ट्रेटेड टोटली, गांजा मारिजुआना इत्यादि नशे में ग्रस्त हो गए थे। वो दिन भारतवर्ष में आने वाला है अभी कुछ दिन बाद, मुझे लगता है जो चालू हुआ है नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, हाँ सब माने लिबरल सो कॉल डेमन बनते जा रहे हैं,
ऐश मौज बस, सेल्फिशनेस बस, दूसरों को मार के अपना हक ले लो, ये सब शिक्षाएं बच्चे लोगों में पनप रहा है। उसका परिणाम उनके परिवारों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो लोग उधर ही अप्लाई करेंगे वो सब जो सीख रहे हैं। ये वे लोग भूल जाते हैं, लोग समझते हैं वाह मैंने बहुत सुंदर, मैं बहुत फ्री पेरेंट हूँ, मैं सबको, मैं भी लिबरल हूँ। दे विल लिबरेट यू एक्चुअली फ्रॉम योर बॉडी, दैट इज द थिंग। तो संस्कार, इसलिए बहुत सारे भक्त परिवार जरूरत हैं संसार में, जो लोग अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दें। तो अभय चरण दे वही राधा कृष्ण उपासना से युक्त तो हो गए और वे स्कूलिंग करने गए, फिर उसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज आई थिंक उनमें उन्होंने स्नातक डिग्री हासिल किया और वे एक परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए बहुत अच्छे तरीके से। और तब बोस केमिकल के मैनेजर रूप में वे एक साधारण नौकरी प्राप्त हुए, बहुत खुश थे। उस समय ही मल्लिक परिवार के साथ जो तो उनके पिता का संबंध अच्छा था, तो उन्होंने मल्लिक परिवार का ही उनकी संबंधियों में एक लड़की के साथ उनका विवाह निश्चित किया। यद्यपि प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे विवाह करना, लेकिन फिर भी उस समय कोई माने कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कुछ डिस्प्ले नहीं था कि कैसे संन्यास लेना है या कैसे ब्रह्मचारी बनना है, ऐसा कुछ उस समय तो नहीं था। तो प्रभुपाद को भी इसका शायद आभास या ज्ञान नहीं था कि क्या करें भक्ति जीवन को लेके, कोई गाइडेंस प्रॉपरली नहीं था। तो विवाह हुआ उनका, उनका पुत्र हुआ, पहला पुत्र हुआ, उनका नाम प्रयागराज रखा। इलाहाबाद में वे गए थे और उस समय एक घटना हुई। उल्टडांगा विधाननगर स्थित एक घर में गौड़ीय वैष्णव परंपरा के महान सिंह समान आचार्य नित्यलब्ध जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद का शुभागमन हुआ अपने शिष्यों के साथ, संन्यास शिष्यों के साथ। पहली बार एक ऐसे महान साधु का, वैष्णव का नवद्वीप से आगमन हुआ कलिकलमल कोलकाता देश से, कोलकाता देश प्रदेश में उनके चरण पड़े। तब बाग बाजार गौरी मठ नहीं बना था, उनके हेतु ही वे प्रचार कर रहे थे। और प्रभुपाद जी के मित्र 1922 साल था, प्रभुपाद जी के मित्र नरेन उनको लेके गए थे इस महान आचार्य के पास, इन महान आचार्य के पास। और तब पहले ही दर्शन में उनको सर्वसार उपदेश, वैसे एक्चुअली उनका थोड़ा सा विश्वास डगमगा गया था, क्योंकि वही लाल कपड़ा पहन के उन्होंने देखा है कि बहुत लोग ये मांसाहार कर रहे हैं, तो उनका सब साधु ही जो साधु है लाल कपड़ा पहनने वाला, ऐसा उनका विश्वास नहीं था। बहुत युक्ति और बहुत पर्यवेक्षण करते थे कि हाँ ये साधु है कि नहीं, तो वो सोचा कि हाँ कोई होंगे। जब लेकिन दर्शन किया, वो जो पांडित्य, वो जो तेज, वो जो सिंह के जैसे उनका प्रखर शब्द वाणी जो उनके हृदय को भेद कर दे किसी के भी हृदय को, वो दर्शन कर अभिभूत हो गए। प्रश्न पूछा अभय चरण ने, ये पहली बार गुरु के साथ उनका संबंध हो रहा है, प्रश्न पूछा कि कौन आपका ये चैतन्य महाप्रभु का वाणी सुनेगा, अभी देश को स्वाधीन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि वो जुड़े हुए थे नितेश सुभाष चंद्र बोस के साथ किसी किसी प्रोजेक्ट में, आंदोलन में जाते थे। सरस्वती ठाकुर पाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैं देखो कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, ये जो राजत्व ये चलता रहेगा, इससे जीवन का स्रोत जो है वो थम नहीं जाएगा। सबके जीवन में शांति सुख लाने के लिए किसी भी काल में किसी परिस्थिति में
कृष्ण भावामृत का संचार होना जरूरी है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। अगर लोग कृष्ण के साथ कृष्ण भावना से जुड़ित नहीं हुए, भगवत भक्ति में नहीं आए, वो विज्ञान को नहीं समझे, तो किसी काल में भी उसी उन आत्माओं का तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कौन राजा है, तो औरंगजेब भी गए थे उस समय, तब भक्ति आंदोलन फिर भी पीक में था, तुलसीदास जी, बड़े बड़े आचार्य लोग थे। उसके बाद तो कभी भी ये भक्ति आंदोलन कभी भी थमा नहीं है किसी के द्वारा, और ना ही कोई थमा सकता है इसके, क्योंकि कृष्ण शक्ति के द्वारा एम्पावर्ड है। जो लोग थमाने के लिए आए थे उनका वंश समेत समूल नाश हो गया, उनका एक व्यक्ति भी नहीं है। क्योंकि भगवान के साथ टक्कर ले रहे हैं, भगवान अपने प्रति अपराध तो सहन कर लेते हैं, लेकिन वैष्णव आचार्य चरणों में अगर अपराध कोई करता है तो उसका तो खैर नहीं है, फिर उसके बाद दिन गिनना शुरू कर दे वो, अवश्य पूरी वेला जे, बहुत जल्दी हरिबोल होने वाला है, और ऐसा सर्वनाश होगा ना कि उसका ट्रेस भी नहीं मिलेगा। पाप से तो सर्वनाश कम होता है, लेकिन अपराध से जो सर्वनाश होता है उसका कोई ठिकाना नहीं, और वो जन्म जन्मांतर के लिए हो जाता है, वो ऐसा नहीं कि भोग लिया ना चलता रहेगा, कितना कोटि साल जो उस आत्मा को भोगना पड़ेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कितने राजे रजवाड़े आए और चले गए, कितने मुसलमान लच्छे लोग आए और चले गए, भक्ति भक्ति भावनामृत कृष्ण भक्ति आंदोलन ये किसी भी अवस्था में किसी युग के लिए किसी समय काल में थम नहीं सकता, क्योंकि आत्मा लोग थमे नहीं रह सकते। जब देश आज़ाद हो जाएगा उसके बाद भक्ति में आएंगे, कितने आत्माएं तो तब हरिबोल हो जाएगी, उसके पहले ये समझ में आया अभय चरण को कि जो विज्ञान इनके निस्सार तत्व गुरु माने सार तत्व देते हैं, तुम आदेश दिया, तुम तो शिक्षित हो, तुम्हें महाप्रभु का ये वाणी प्रचार करने में महाप्रभु को सहायता करना चाहिए। यही मेरा आंदोलन है कि लोग इससे जुड़े, इस विज्ञान को समझें, जीवन को सुधारे, हरि नाम ले, बस यही आंदोलन का सार है। बहुत खुश, इससे पहले ही उसी मुलाकात में उनको गुरु रूप में वर्णन कर लिया, फिर शुरुआत हुआ उनके भक्तों से आना जाना, नरेंद्र के साथ मिलना। इस बीच में वे शिफ्ट हो चुके थे प्रयागराज में, आज जहाँ पे प्रयागराज हैं त्रिवेणी संगम। आप लोग बोलेंगे प्रयागराज क्यों बोल रहे, इलाहाबाद लिखा हुआ, मैं उसको इलाहाबाद नहीं बोलूँगा, वो मुसलमानों का बात नहीं है, वो प्रयागराज था, प्रयागराज है, प्रयागराज रहेगा। प्रभुपाद जी का नाम भी, प्रभुपाद ने वहाँ पे अपना बिजनेस खोला, होम्योपैथी दुकान मेडिसिन का, नाम भी प्रयागराज केमिकल, अभय चरण दे बहुत लिखा है सुंदर तरीके से। और प्रभुपाद जी का प्रथम पुत्र का नाम भी प्रयागराज था, तो वे बिजनेस अच्छा चल रहा था। उसके कुछ दिन पहले जब प्रभुपाद जी किसी जगह पे इलाहाबाद में बिजनेस सिलसिले में गए थे, तो प्रभुपाद जी एक मैंशन में रुके थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हाउस था, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, नित्य पढ़ते थे, और वहाँ पे एक अंग्रेज भूत था एक्चुअली, जिसका उद्धार नहीं हुआ था, तो सब लोग जानते थे कि भूतिया जगह हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो मुझे तो कोई भय नहीं है, अगर भूत है भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरे पास क्या ही है, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद के पास वो भूत साक्षात प्रकट हुआ, लेकिन प्रभुपाद ने जोर जोर से श्रीमद् बोले, उनको बोले सुनो, भागवतम ही प्रेतों का उद्धार करने का एकमात्र साधन है। प्रभुपाद ने भागवतम श्लोक उच्चारण किया और देखते ही देखते भूतों कुछ प्रेत लोग बोल नहीं पाते, शक्ति नहीं पाते, लेकिन प्रभुपाद के नाम जप को सुन के, प्रभुपाद के भागवतम के उच्चारण सुन उनमें शक्ति आई और वे धन्यवाद दिए प्रभुपाद, सदा के चले गए। और सदा के लिए वो जो हाउस था, गवर्नमेंट हाउस था, ब्रिटिश गवर्नमेंट हाउस, वो उस प्रेत से मुक्त हो चुका। फिर प्रभुपाद जी का बहुत नाम हुआ और फिर प्रभुपाद जी शिफ्ट हुए इलाहाबाद में,
वहाँ पे उनके एक भक्त उनके एक फ्रेंड थे, वे आते थे। और आपको जान के हैरानी होगी, इसी प्रयागराज मेडिकल हाउस से मोतीलाल नेहरू और उनके बेटे नेहरू जी, ये लोग दवाइयाँ खरीदते थे। और नेहरू जी हमेशा विदेशी दवाई मांगते थे, जो प्रोपा जो कति पसंद नहीं था। वो सोचते कि क्यों, स्वदेशी दवाई में क्या बुराई है। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी प्रयागराज में, तो इति मध्य में 1933 साल में मैं ठीक 10 साल के बाद जब उनके गुरु से वो मिले, उसे 10 साल के बाद, तब प्रभुपाद जी तो बिज़ी हो गए अपने फैमिली लाइफ में और बिजनेस में। इन दौरान उनको जाने का मौका मिला झांसी में, गीता मंदिर में प्रवचन दिया, सब लोग मैंने वो बिजनेस सिलसिले में गए थे। बहुत ही 10 दिन का टूर था उनका, लेकिन बहुत ही उनके जितने भी लोग थे, शास्त्री जी स्पेशली, डॉक्टर शास्त्री जी और प्रभाकर मिश्रा जो उनके पहले शिष्य बने प्रभुपाद जी के, जो छोड़ने के लिए आए थे उनको डॉक में, और भी बहुत सारे सज्जन व्यक्ति, संभ्रांत परिवार के, प्रभुपाद का लेक्चर सुन, प्रभुपाद का जगह जगह प्रोग्राम किए वो लोग, और बहुत लोग अभिभूत होकर चैतन्य महाप्रभु का ये वाणी सुनकर, और लोग देखते थे प्रभुपाद जी बहुत ही दृढ़ हैं, उनमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद जी हमेशा गुरुदेव से मिल कलकत्ता जाते थे और भक्तों के साथ संबंध रखते थे, किताबें पढ़ते थे। तो उन्होंने ठीक किया, 1933 में उन्होंने इलाहाबाद में जब उनके गुरुदेव पधारे, तब उन्होंने उनसे हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण किया और उनके गुरुदेव ने उनका नाम दिया अभय चरणारविंद दास। हाँ, और इलाहाबाद जो मंदिर है प्रयागराज में, उस मंदिर निर्माण कार्य के हेतु उनके शिष्यों के साथ उनको भी सहायता करने के लिए थोड़ा सा अनुरोध किया। जो प्रभुपाद जी बहुत, प्रभुपाद के जो भी गुरु भाई सन्यासी लोग थे, वे सभी लोग अभिभूत हो गए। प्रभुपाद जी कैसे लोगों के साथ बात करते थे, प्रभुपाद जी कैसे लोग कन्विंस करते थे, और बहुत सारा पूंजी लाके वे लोग देते थे मंदिर में, जिसका मंदिर का निर्माण हुआ इलाहाबाद में गौड़ीय मठ का। और प्रभुपाद जी के घर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस था, प्रभुपाद जाते थे, कीर्तन करते थे, मृदंग बजाते थे वहाँ पर, और प्रभुपाद जी प्रवचन भी देते थे। तो उनके गुरु भाई लोग बोलते थे कि आप क्यों नहीं मंदिर में संपूर्ण तरीके से निजोज्य हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। अरे नहीं, अभी संसार को भी देखना है। तो प्रभुपाद जी ऐसे भक्त शुरू से प्रयास कर रहे हैं, और बहुत इच्छा कि गुरुदेव के लिए कुछ सेवा करें, ऐसा सेवा जो सेवा शायद गुरुदेव चाहते हैं कि मैं करूं। संकीर्तन करते कई भक्तों के साथ, तो प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, इतने मेरी झांसी भी आके जाके आ गए, प्रवचन दिया, सब लोग बहुत उनको सहराया भी। तो प्रभुपाद जी के एक दोस्त थे, आप लोग को जान के हैरानी होगी, प्रभुपाद जी ने खुद एक दवाई का निर्माण किया था होम्योपैथी, जिस दवाई के सेवन से आपकी याद शक्ति बढ़ जाती है। तो प्रभुपाद जी के उस समय के मित्र थे, तो प्रभुपाद जी के उस वो मित्र वहाँ पे हमेशा उनकी दुकान में आते थे और बोलते थे कि मेरे बच्चे को एग्ज़ाम देना है, मुझे वो दवाई चाहिए, स्पेशल दवाई जो तुम बना रहे हो। तो उन्होंने दिया, फिर वो भक्त ने पूछा, वो भी भक्त था, बोला अच्छा भाई तुम एक और स्पेशल दवाई बना रहे हो जिससे कृष्ण स्मृति होती है, वो दवाई कब बनेगा? तब वो उत्तर देते थे कि नहीं, वो दवाई बनना बाकी है अभी। यानी प्रभुपाद जी का जो ये प्लानिंग था, ये कितने सालों से चल रहा है आंदोलन का, ये एक दिन में नहीं हुआ है, 40 साल प्रभुपाद ने इसको ध्यान किया है। जो प्रभुपाद जी का जो 7 हम लोग के उद्देश्य है ना, इस्कॉन ट्रस्ट स्थापना करने के लिए वो जो उद्देश्य है, वह पढ़िएगा, वो 7 उद्देश्य प्रभुपाद 40 साल से मेडिटेट की, जब से वो झांसी गए हैं, मैंने सब जो किया है।
तो प्रभुपाद जी हमेशा ऐसा उत्तर देते थे, प्रभुपाद जी ने ऐसा मेडिसिन बनाया खुद अपने हाथों से, सोचिए इतनी विद्वत्ता थी प्रभुपाद की। तो अभी समय आने लगा, प्रभुपाद के पुत्र लोग बड़े होने लगे, बाय द टाइम 1935 में वे अपने गुरु से अंतिम बार मिले। एक्चुअली प्रभुपाद जी गुरु के साथ जितना भी वार्तालाप हुआ उसे पूरा अवधि अगर निकाले तो 11 घंटा है सिर्फ। उस 11 घंटा में प्रभुपाद जी ने क्या सार ग्रहण किया कि वे अपने गुरुदेव के लिए इतना बड़ा एक सेवा कर दिए। तो यही उदाहरण है कि गुरुदेव के साथ शिष्य का संबंध सेवा युक्त होता है, प्रेम का एक एक, एक संबंध होता है। वो शिष्य भी जान जाता है ये गुरु है, गुरु भी जानता है कि मेरा शिष्य है, ये संबंध नित्य होता है। ये ऐसा नहीं कि मुझे प्रवचन से ऐसे मुझे एक व्यक्ति ने बोला था, बहुत ही माने अहंकारी व्यक्ति हैं सूरत में, मैंने सुना था उनके मुंह से कि इस्कॉन में मैं कौन से गुरु से दीक्षा लूँगा जो गुरु मुझे प्रभावित कर देगा। माने ही इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि उनको प्रभावित करना बहुत ज़रूरी हो गया किसी गुरु का। खैर तो ऐसा ही मनोभावना बहुत लोग रखते हैं कि लेक्चर बहुत बहुत फैंसी होना चाहिए, बहुत सुंदर लेक्चर होना चाहिए तब जाके मैं डेडिकेटेड करूँगा या सुनूंगा। लेकिन वृत्ति तो नहीं है सेवा करने का, कुछ नहीं होगा, समय अवचय है। आप देखिएगा एक समय आप मायावादी बन गए, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। जीव गोस्वामी पाद ने जपा बुक में लिखा हुआ है भुजन प्रभु का, जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में से दिया है कि जो अपराध युक्त ऐसे भावना युक्त अपने गुरु में दोष देखता है, शिक्षा गुरु में दोष देखता है, ऐसा व्यक्ति वचन अपराधी जो अपराध युक्त नाम भजन करता है वो नाम ही उसका सर्वनाश करता है। ये भक्ति संदर्भ में भी लिखा है और भुजन प्रभु ने उसको दिया हुए हैं और कैसा कैसा चीज़ उसका माने क्वालिटी उत्पन्न होता है उसमें दिया है लिस्ट। क्रूकेडनेस, क्रूकेट होता चला जाएगा, हाँ एकदम माने रस कस विहीन एकदम माने एकदम कठोर होता जाएगा, ये अपराध का फल मिल रहा है उसको। हाँ फिर सेवा में अरुचि आ जाएगा, सेवा से भागेगा, ऐसे 5-6 अपराध उत्त जो अनर्थ है उसको में प्रकट हो जाएगा और वही हरिनाम उसको सर्वनाश भी कर देगा। ये दिया है भक्ति संदर्भ में। तो जो ऐसे आचरण ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करेंगे उसका सर्वनाश होने वाला है निश्चित रहें, वो कोई भगवत धाम जाने वाला नहीं है। नाम लेकर भी ये सूक्ष्म विज्ञान है। हाँ तो प्रभुपाद जी का ये 11 घंटे का जो कोई लेक्चर रिकॉर्डिंग नहीं, कोई यूट्यूब लेक्चर नहीं, कुछ भी नहीं, क्या प्रेरणा, क्या शुद्ध भक्त के साथ संबंध, वो 11 घंटे का जो उनके साथ वार्तालाप है उसका परिणाम है ये विश्वव्यापी एक आंदोलन, उसका परिणाम है। तो आज हम लोग यहीं तक विश्राम देते हैं श्री प्रभुपाद कथा को, कल फिर इसके आगे सुनेंगे और कोशिश करेंगे प्रभुपाद जी का और भी जो भी जीवन गाथाएं में जो भी रहस्यमयी कथाएं हैं उसको हम लोग आपके साथ साझा करें। तो पतिदेव पावन श्रील प्रभुपाद जी की जय। आप सभी लोग श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हो, श्रील प्रभुपाद को समझें कि ऐसे व्यक्ति ने क्या किया है भारतवर्ष पूरे विश्व के लिए, यही हम लोग का अभिप्राय है, तभी सार्थक होगा प्रभुपाद जी का 125वां जन्म वार्षिकी। हरि ओम तत्सत, हरे कृष्णा।